अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के बाद 16 नवंबर को राजस्थान के निकाय चुनाव के लिए वोटिंग डाली गई थी। 49 सीटों पर वोटिंग डाली गई थी राजस्थान के निकाय चुनाव में। अब दोस्तों, आज उसके नतीजे आ गए, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 49 सीटों पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली है, वही निर्दलीय जो खड़े थे निकाय चुनाव में उनको कितने सीटें मिली हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाए। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, लोकसभा इलेक्शन 2019 में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीती थी। वहीं 2014 में भी 25 की 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वहीं इस वक्त जो विधानसभा में राजस्थान में सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पर दोस्तों, अब 16 नवंबर को जो निकाय चुनाव हुए थे 49 सीटों पर, उसके नतीजे आज आए, तो 49 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें मिली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली है, वहीं निर्दलीय को दोस्तों 6 सीटें मिली है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी जीत सामने निकल कर आ रही है कांग्रेस पार्टी की लोकसभा इलेक्शन 2019 के बाद राजस्थान के अंदर। तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। 30 सीटें मिली है कांग्रेस पार्टी को 49 सीटों से, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली है, वहीं निर्दलीय को 6 सीटें मिली है। तो चलिए दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हो, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की निकाय चुनाव में अच्छी जीत हुई है उस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।